गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज आपको हम मायो गार्लिक रोल पूरी पराठे बना के दिखा रहे हैं। पहले मायो गार्लिक रोल बनाया था, लेकिन वो पराठा बनाया था हमने पराठे से। आज आपको पूरी पराठे से मायो गार्लिक रोल बना के दिखाएंगे और ये रेसिपी शेयर करेंगे। और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। अब आपको मिलते हैं हम अपने किचन में। एक पाव मैदा है लिए है, इसमें डाल रहे हैं आधा चाय का चम्मच नमक। नमक आपने पहले से साफ कर लिया है, इसमें डाल रहे हैं ऑयल। चार चम्मच हम इसमें ऑयल डाल देंगे, एक चार चम्मच ऑयल जाएगा। ये दो रोल बन रहे हैं मायो गार्लिक रोल। इसको पानी डालकर भून लेंगे हम। पूरी पराठा बनता है, पूरी पराठा बना रहे हैं, पूरी पराठा बन रहे हैं और फिर मायो गार्लिक रोल बनाएंगे। नॉर्मल केचप और एक गार्लिक केचप, दो केचप और मेयोनीज है, ये सॉस बना है मायो गार्लिक का। और आप आटा गुन जाता है तो आपको दिखाते हैं पूरी पराठा बनाते वक्त। ये पूरी पराठे का आटा गुन लिया पूरा, और अब इसको 10 मिनट तक रख देंगे हम 10 मिनट तक, फिर आपको बनाते वक्त दिखाते हैं। अब इसका चिकन रेडी कर रहे हैं। दो चम्मच ऑयल डाला चिकन फ्राई करने के लिए, बॉयल चिकन है वो, लेकिन उसको स्पाइस लगा कर फ्राई कर रहे हैं ताकि टिक्का बॉडी मसाले डाल के। अब ये फ्राई हो रहा है, पूरी पराठा तैयार हो रहा है और आपको दिखाते हैं अब तैयार होते हैं। ये बेल लिया है और अब तेल में डालेंगे इसको। ये हमारा पूरी पराठा तैयार हो गया है और अब पहला रोल बनाऊंगा, आपको दिखाते हैं। ये हम इसको पलटेंगे, देखें मायो गार्लिक रोल आज लशपश बनेगा। ये बनाते हुए दिखाते हैं आपको। और ये चिकन भी फ्राई कर लिया था, बॉयल चिकन था, थोड़ा फ्राई भी कर लिया। ये प्याज, ये सॉस और ये रहा हमारा पूरी पराठा। मायो गार्लिक रोल बनेगा बिल्कुल बाहर जैसे बनता है। तैयार कर रहे हैं, ये सॉस लगाया, ये हो गया तैयार। तैयार हो गया, ये भी तैयार हो गया। अब हम खाते हैं और एंजॉय करते हैं। और आप लोगों को ये समझ में आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर बनता है भाई। पूरा मायो गार्लिक रोल बनाइए, वो वीआईपी बनाए।